द फिगर गिवन शोज करंट इन ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट देन करंट आई। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ से इस पूरे सर्किट में किसी बड़े सर्किट का ये छोटा हिस्सा दिया है, तो किसी भी सिस्टम में जितनी करंट एंटर कर रही होती है उतनी करंट वहाँ से इमर्ज करेगी। तो एंटर यहाँ से कर रही है 2 और 2 4 एम्पियर, तो यहाँ से 4 एम्पियर इमर्ज भी करनी चाहिए। यहाँ से इमर्ज कर रही है 1 एम्पियर, यहाँ से 1.3 एम्पियर, तो ये हो गया 2.3 एम्पियर, जबकि टोटल इमर्ज करनी चाहिए 4 एम्पियर। तो यहाँ से कितनी जाएगी, तो इस ब्रांच से जाएगी 1.7 एम्पियर, 1.7, 1.3 और ये 1, मिलकर टोटल 4 एम्पियर करंट इमर्ज करेगी और 4 एम्पियर करंट ही यहाँ से एंटर कर रही है, ठीक। तो आपका आंसर क्या बनेगा, ए पार्ट। इस सेल ऑफ निग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस एंड EMF 1.2 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद थ्री रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम, 2 ओम एंड 3 ओम रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टर, ठीक है। तो समझना जरा इसको, एक रेजिस्टेंस है 1 ओम, एक 2 ओम है और एक है ये 3 ओम रेजिस्टेंस। ये है 1 ओम, ये है 2 ओम, ये है 3 ओम रेजिस्टेंस, और उसके अक्रॉस एक बैटरी एक सेल कनेक्ट किया है जो कि 1.2 वोल्ट का है, ठीक। अब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहे हैं, 2 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ठीक है। तो इसको कैसे कर रहा हूँ वो आप समझिए। इसको मैं एक जनरल पैटर्न में पहले बनाई करते हैं। मान लिया इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है और इसका रेजिस्टेंस R3 है, और ये V0 वोल्टेज की क्या लगी हुई है, बैटरी लगी हुई है, ठीक। तो कंसेप्ट ये है कि ये तीनों रेजिस्टेंस हैं सीरीज में और सीरीज में करंट होती है सेम, क्लियर। तो अगर हम ओम्स लॉ के हिसाब से सोचें, वी इज इक्वल टू आई आर के हिसाब से, तीनों रेजिस्टेंस अगर सीरीज में हैं और सीरीज में करंट आपकी सेम होती है, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यानी ये जो वी नॉट का पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपका R1:R2:R3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो पहले रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल आएगा वो आपका आएगा R1:R1:R2:R3:V0। दूसरे रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो आपका आएगा R2 तीनों का सम R1:R2:R3:V0। और इसी तरह से R3 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो आपका आ जाएगा R3:R1:R2:R3:V0, ठीक। कंसेप्ट फिर से समझ लीजिए, तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, सीरीज में करंट सेम होती है, करंट अगर सेम है तो तीनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो तीनों रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है और रेजिस्टेंस अगर R1 R2 R3 के रेशियो में है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी R1 R2 और R3 के रेशियो में ही होगा। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस वी नॉट है, तो इस वी नॉट को आपको R1 R2 और R3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो पहले रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो आपका आ जाएगा R1:R1:R2:R3:V0। दूसरे के अक्रॉस जो आएगा वो आएगा R2:3:V0 और तीसरे के अक्रॉस R3:3:V0। अब हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2 ओम के अक्रॉस कितना आएगा, तो हमें ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। तो ठीक है, सारी वैल्यू डाल देते हैं। R2 रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम, तीनों का सम कितना हो जाएगा, 6 ओम, और वी नॉट आपका है 1.2 वोल्ट, तो इससे कैंसिल करेंगे, 3 टाइम 3 से कैंसिल करेंगे, तो 0.4 वोल्ट, 0.4 वोल्ट जो होगा वो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्लियर। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ करंट इन 60 ओम रेजिस्टेंस इन द सर्किट शोन इज, ठीक। अब यहां भी ढंग से समझना आपको, ये 60 ओम रेजिस्टेंस ये 15 और 5, 20 ओम रेजिस्टेंस ये और 10 ओम रेजिस्टेंस ये, और ये तीनों पैरेलल में और टोटल करंट 1 एम्पियर आ रही है। अब ये करंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, अब वो समझना है। ये मान लिया यहाँ से करंट आ रही है आई नॉट, पहले मैं जनरल एक्सप्रेशन करके दिखाता हूँ आपको, और आगे तीन रेजिस्टेंस है, एक है R1, एक है R2 और एक है R3, इस तरह से, ठीक है, R1 R2 और R3। अब आपको ये पता लगाना है कि ये जो करंट आ रही है ये किस तरह से इन तीनों रेजिस्टेंस में डिस्ट्रीब्यूट होगी, ठीक। अब लॉजिक क्या, वो समझिए, ये तीनों पैरेलल में है और ओम्स लॉ वी इज इक्वल टू आई आर, अगर तीन रेजिस्टेंस पैरेलल में होंगे तो तीनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम होगा। वोल्टेज अगर सेम है तो इसका मतलब करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट सेम होगा, इसका मतलब करंट रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, क्लियर। अगर इसमें जाने वाली करंट I1 है, इसमें जाने वाली करंट I2 है और इसमें जाने वाली करंट आपकी I3 है,
तो ये जो तीनों करंट हैं ये तीनों रेजिस्टेंस के इनवर्स प्रोपोर्शन में होंगे। इसका मतलब आई वन इज टू आई टू इज टू आई थ्री जो बनेगी वो बनेगी 1/R1 इज टू 1/R2 इज टू 1/R3। ठीक, और तीनों करंट का जो टोटल सम है वो क्या है, वो है आई नॉट। और इन तीन रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है और आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। आई वन निकालना है आई वन, आई टू निकालना है आई टू, आई थ्री निकालना है आई थ्री। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपने क्वेश्चन के हिसाब से सोचें तो हमारा पहले वाले का रेजिस्टेंस था 60, दूसरे वाले में रेजिस्टेंस है 20 और तीसरे वाले में रेजिस्टेंस है 10। अब इसको प्रॉपर रेशियो में अगर कन्वर्ट करना है तो ऐसा करो 60 से पूरे में मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका जाएगा 1:3:6। ये रेशियो बनेगा I1:I2:I3 का। अब आपको निकालना है क्या, आपको निकालना है 60 ओम वाले में, यानी आपको I1 निकालना। तो I1 जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा 1 अपॉन तीनों का सम मतलब 10 इंटू टोटल करंट जो कि 1 एम्पियर है, 0.1 एम्पियर करंट आ जाएगी। अगर आपको I2 निकालना हो तो I2 क्या मिलता है, I2 बनता है आपका 3 अपॉन तीनों का सम मतलब 10 इंटू करंट कितनी है 1 एम्पियर यानी 0.3 एम्पियर। और अगर I3 निकालना होता तो वो क्या हो जाता, 6 अपॉन तीनों का सम मतलब 10 इंटू करेंट टोटल करंट 1 एम्पियर है, तो ये 0.6। यानी ऊपर वाले में करंट आ रही है 0.1 एम्पियर, बीच वाले में करंट आ रही है 0.3 एम्पियर और सबसे नीचे वाले में करंट आ रही है 0.6 एम्पियर। तो ये जो रेशियो प्रोपोर्शन का खेल है ये आपको समझ में आना चाहिए। और दो ही चीज़ें होंगी, दो ही चीज़ें होंगी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दो ही चीज़ें होंगी। सीरीज में करंट सेम होगी तो वोल्टेज और रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, और पैरेलल में वोल्टेज सेम होगा तो करंट और रेजिस्टेंस आपस में एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। बस ये दो ही चीजें होंगी। क्लियर? इन द गिवन फिगर व्हाट इज द करंट थ्रू 1 ओम रेजिस्टेंस, 1 ओम रेजिस्टेंस ये है, इसमें पूछ इसमें कितनी करंट आएगी। तो ये बहुत ही सिंपल है, जो टोटल करंट यहाँ से निकलेगी वो तीन ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट होगी और फिर तीनों के तीनों ब्रांचेस से कलेक्ट होकर 1 ओम से वो निकल के बैटरी में आ जाएगी। यानी टोटल करंट पूछ रहे हैं कितनी है। तो ये बहुत ही सिंपल है, इसमें तीनों का टोटल रेजिस्टेंस निकालो, इसको 1 के साथ सीरीज में ऐड करो, नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा, नेट वोल्टेज पता है, नेट करंट पता लग जाएगी। ठीक, तो कैसे कर रहे हैं वो देखिए आप, ये 8 और 8 पैरेलल में है तो 8 और 8 का होता है 4, फिर वो 4 और ये 4 भी पैरेलल में है और 4 और 4 का होता है 2, और वो 2 और ये 1 सीरीज में है तो 2 और 1 सीरीज में, तो ये हो गया 3 ओम। 6 वोल्ट की बैटरी, 3 ओम का रेजिस्टेंस, तो 2 एम्पियर करंट फ्लो करेगी। सो योर आंसर इज 2 एम्पियर। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक सर्किट गिवन बिलो, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस R4। R4 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आपसे पूछ रहे हैं। ठीक, इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का कुछ नहीं है, बैटरी टोटल ये दोनों मिला के 6 वोल्ट की टोटल बैटरी है और इस 6 ओम के अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस आपसे पूछ रहे हैं। ठीक, तो जरा समझिए, ये 6 और 6 पैरेलल में है, इनका पोटेंशियल सेम होगा, ये 6 और 6 ये भी पैरेलल में, अक्रॉस भी पोटेंशियल सेम होगा और ऊपर वाला भी 6 है। ठीक है, तो ढंग से समझिए, अगर मैं आपसे पूछूं ऊपर वाले के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो आप आउटर, ये आउटर लूप देखो, सिर्फ आउटर लूप, तो आउटर लूप में ये 6 ओम का रेजिस्टेंस है और 6 वोल्ट की बैटरी है, ये वाली ब्रांच, ये पूरी ब्रांच और ये पूरी ब्रांच, ये तीनों ब्रांच पैरेलल में है, ऊपर वाली पूरी ब्रांच, बीच वाली इन दोनों का सबका जोड़ जाड़ के टोटल पूरी ब्रांच और ये नीचे वाली पूरी ब्रांच, ये तीनों किसमें है, पैरेलल में, और पैरेलल पोटेंशियल सेम होता है। तो इस पूरी ब्रांच के अक्रॉस 6 वोल्ट है, तो इस बीच वाली पूरी ब्रांच के अक्रॉस भी 6 वोल्ट होगा और ऊपर वाली पूरी ब्रांच के अक्रॉस भी 6 वोल्ट होगा। अब हम बीच वाली ब्रांच पर जाते हैं, अगर बीच वाली पूरी ब्रांच के अक्रॉस 6 वोल्ट है तो इस वाली यूनिट के अक्रॉस 3 वोल्ट होगा और इस वाली यूनिट के अक्रॉस 3 वोल्ट होगा। क्यों? क्योंकि ये सीरीज में है और सीरीज में इनके रेजिस्टेंसेस सेम है, जैसा पैटर्न इसमें है वैसा ही पैटर्न इसमें है। सीरीज में करंट सेम होती है, रेजिस्टेंसेज भी सेम है, तो वोल्टेज भी सेम हो जाएगा, वी इज इक्वल टू आई आर। तो इसके अक्रॉस मिलेगा 3 वोल्ट और इसके अक्रॉस भी क्या मिलेगा, 3 वोल्ट। ठीक, अब इस दोनों के अक्रॉस 3 वोल्ट है, बट ये दोनों है किसमें, पैरेलल में, और पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, तो इसके अक्रॉस भी 3 ही रहेगा और इसके अक्रॉस भी 3 रहेगा, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। तो यहाँ भी 3 वोल्ट, यहाँ भी 3 वोल्ट, दोनों के अक्रॉस भी 3 वोल्ट, तो आपका आंसर कितना आएगा, 3 वोल्ट। फाइव आइडेंटिकल रेजिस्टर्स ईच ऑफ 1100 ओम आर कनेक्टेड टू 220 वोल्ट बैटरी एज शोन, द रीडिंग ऑफ द आइडियल एमीटर इज। ठीक है, देखते हैं डायग्राम क्या है।
ये है, ठीक है, ये सारे रेजिस्टेंस 1100 ओम के थे, एक बार फिर चेक कर लेता हूँ, सारे रेजिस्टेंस 1100 ओम के थे और 220 वोल्ट की बैटरी लगी थी, ठीक, 220 वोल्ट की बैटरी लगी है, सारे रेजिस्टेंस 1100 ओम के, ठीक, हर रेजिस्टेंस 1100 ओम का है, आर 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 आर, सभी तरह के आर 1100 ओम, और जो बैटरी है वो है 220 वोल्ट की बैटरी है, क्लियर। और ये पूछ रहे हैं एमीटर की रीडिंग कितनी होगी, ठीक है, तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि तो हम ये निकालेंगे कि यहां से कितनी करंट जाएगी, इसमें कितनी जाएगी, इसमें कितनी जाएगी, इन तीनों में कितनी जाएगी, बराबर बराबर ही बटेगी, और इन तीन आर में आने वाली करंट ही इस एम्पियर से, इस एमीटर से निकल के आएगी, ठीक। तो जरा ढंग से समझिए, अगर ये 5 के 5 एमीटर जो है वो आपका आइडियल है, आइडियल एमीटर का कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, तो ये 5 के 5 आपके किस में आ गए, सीरीज, सॉरी पैरेलल में, 5 के 5 अगर पैरेलल में है तो नेट रेजिस्टेंस बनेगा R/5, R/5 करोगे तो ये 220 ओम का नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा, और 220 वोल्ट की बैटरी है, तो यहाँ से जो करंट निकलेगी वो 1 एम्पियर करंट निकलेगी, ठीक। पैरेलल में है सबके सब, सबके अबाउट पोटेंशियल सेम है, सबका रेजिस्टेंस सेम है, तो सबके से पास होने वाली करंट भी सेम होगी, तो 1 एम्पियर की करंट जब इसमें जाएगी तो 1/5, 1/5, 1/5 होती चली जाएगी, तो इन तीनों में जो करंट आएगी यहाँ पे 1/5, तो यहाँ पे जो करंट मिलेगी 1/5, 1/5, 1/5 ऐड होगी तो ये 3/5 एम्पियर करंट हो जाएगी, ठीक। तो इस एमीटर में जो करंट जाएगी वो कितनी पास करेगी यहाँ से, 3/5 एम्पियर, क्लियर। द करेंट थ्रू 5 ओम रजिस्टर इज 5 ओम, ये जो रेजिस्टेंस है इसमें कितनी करंट जाएगी आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें मेथड ये है कि आप किसी भी डायरेक्शन में मान लो आप करंट, ठीक है, फ्रॉम किरचॉफ लगाएंगे, और अगर आपकी करंट पॉजिटिव आ गई तो आपने जो डायरेक्शन मानी है वो ठीक है, या अगर निगेटिव आ गई तो आपने जो डायरेक्शन मानी है वो गलत है, ठीक। वरना इस लूप में सोच सकते हो आप, ये वाला जो लूप है इस लूप में सोच सकते हो, ये जो 8 वोल्ट की बैटरी ये कह रही है मैं करंट ऐसे फ्लो कराऊंगी, ठीक, ये जो 6 वोल्ट की बैटरी ये करंट कह रही है मैं करंट ऐसे फ्लो कराऊंगी, तो आप थोड़ा आइडिया भी लगा सकते हो। वरना आप किसी भी डायरेक्शन में मान लो, अगर पॉजिटिव आ गया तो आपकी डायरेक्शन सही थी, नेगेटिव आ गया तो उसके अपोजिट करंट फ्लो हो रही होगी। तो मैंने कहा चलो ऐसे कर लेते हैं कि करंट मान लिया 5 ओम वाले में इधर फ्लो हो रही है, कितनी करंट फ्लो हो रही है इसमें, इस 5 ओम वाले में, इसको मैंने कहा आई, इस पूरे लूप में आई नहीं कह रहा हूँ मैं, ठीक है, मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि 5 ओम वाले में करंट आई फ्लो हो रही है, यहाँ भी आई आएगी, बट इसमें आई होगी इस वाले 6 वोल्ट वाली बैटरी में, इसको कुछ कह नहीं सकती क्योंकि ये और जगह से भी कनेक्टेड है, बट इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो आई आर वाला कोई टर्म ही नहीं आएगा, तो करंट कितनी की है इससे कोई मतलब भी नहीं है आपको, 5 ओम वाले में इसमें करंट इधर फ्लो हो रही है आई। अब हम इस पॉइंट से चलेंगे और यहाँ से ऐसे घूमते हुए, इस पॉइंट से चलेंगे यहाँ से ऐसे घूमते हुए और इस तरह से वापस येल्लो पॉइंट पर पहुँच जाएंगे और किरचॉफ लगाना शुरू करते हैं हम, ठीक, इस तरह से किरचॉफ लगा रहे हैं। तो यहाँ से चले तो पहले नेगेटिव टर्मिनल आया तो -8 वोल्ट, फिर इधर आएंगे तो ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल आया तो +6 वोल्ट, और फिर यहाँ से आ रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन जा रहे हैं तो +IR, तो I इंटू आर कितना है, 5 इज इक्वल टू 0, तो I जो आपका आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2/5 एम्पियर, 2/5 का मतलब हुआ 0.4 एम्पियर डी पार्ट, इन द गिविन फिगर द करेंट थ्रू 20 वोल्ट बैटरी इज, 20 वोल्ट की बैटरी से कितनी करंट निकलेगी ये आपसे पूछी गई है, ठीक है, 20 वोल्ट से कितनी करंट निकलेगी ये आपसे पूछ रहे हैं, ठीक। तो इसमें मान लिया कि यहाँ से करंट निकल रही है आई, ठीक, कुछ करंट इस वाली ब्रांच से पास होगी, फिर कुछ करंट इस वाली ब्रांच से पास होगी, ठीक। तो यहाँ से मैंने कहा कि चलो करंट निकल रही है यहाँ से, आ रही है I1, तो यहाँ से जो करंट बची वो कितनी आ गई, यहाँ से जो करंट बची वो कितनी आ गई, I-I1। अब दो लूप हैं, दो किरचॉफ की इक्वेशन बनाएंगे और दो ही अननोन है आपके पास, एक आई है और एक I1 है, तो पहले इस लूप में लगाते हैं, यहाँ से इस पॉइंट से चलना शुरू करते हैं और ऐसे घूम के, इस पॉइंट से चलना शुरू करते हैं और ऐसे घूम के इसी पॉइंट पे वापस आ जाएंगे। तो यहाँ से चलना शुरू करेंगे तो पहले क्या लिखेंगे, -16, नेगेटिव टर्म में मिला है -16, फिर क्या लिखेंगे, करंट की डायरेक्शन जा रहे हैं तो +I1 4, और फिर यहाँ लिखेंगे -20 इज इक्वल टू 0, तो इसकी इक्वेशन लिखते हैं, -16 +4I1 -20, -16 है ये, -16 +4I1 -20 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपको I1 की वैल्यू पता लग गई,
ठीक है, कितनी आ जाएगी आई वन की वैल्यू? तो 4i1 जो आपका आ रहा है, 20 और 16 ये हो गया 36, तो i1 आ रहा है, वो आ रहा है 9 एम्पियर। ठीक, अब हम लगाते हैं इस बड़े वाले लूप में, इस येलो पॉइंट से चलेंगे और इधर से ऐसे घूमते हुए और यहाँ से इस तरह से आएंगे। तो यहाँ से चलना शुरू करते हैं, तो पहले पॉजिटिव टर्म में मिला तो +16, फिर करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो प्लस करंट आई माइनस आई वन इंटू टू, और फिर नेगेटिव टर्मिनल मिल जाएगा -20 इक्वल टू 0। तो ये हो गया +16 प्लस आई माइनस आई वन इंटू टू -20 इज इक्वल टू 0। आई माइनस आई वन इंटू टू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? तो ये प्लस -20 उधर जाके +20 हो जाएगा, ये -16 हो जाएगा, तो ये हो गया 4। 2 से कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स, तो आई जो आपका आ रहा है वो आ रहा है 2 प्लस आई वन। आई वन 9 एम्पियर था, तो ये आ गया 11 एम्पियर। तो टोटल जो करंट निकलेगी वहाँ से वो 11 एम्पियर करंट निकल रही है, जिसमें से 9 एम्पियर यहाँ चली जा रही है और 2 एम्पियर यहाँ चली जा रही है। ठीक, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो समझ लेना है आपको। जैसे मैंने कहा कि 20 वोल्ट की बैटरी से आई करंट निकली, यहाँ आ गई आई वन, यहाँ आ गई आई माइनस आई वन। ठीक, तो अगर कोई पूछेगा कि ये जो आई करंट है ये कौन सी बैटरी की करंट है, तो ऐसा नहीं कहना है कि आई करंट जो है वो 20 वोल्ट बैटरी ने करंट फ्लो कराई। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो आई आई वन आई माइनस आई वन ये जो करंट्स हैं, ये पूरे सिस्टम की सभी बैटरीज के नेट इफेक्ट की वजह से करंट है। ये करंट यहाँ से निकल जरूर रही है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से करंट आई निकली तो 20 वोल्ट की बैटरी ने आई करंट दे दी, 11 एम्पियर करंट दे दी, 9 एम्पियर यहाँ चलेगी, 2 एम्पियर यहाँ चलेगी, तो ये 16 वोल्ट और ये 16 वोल्ट की बैटरी खाली बैठी हुई है। ऐसा नहीं है। ये जो करंट्स होती है किसी भी सर्किट में, जो करंट्स फ्लो कर रही होती हैं अलग अलग ब्रांचेज में, तो वो बैटरी के सभी सिस्टम की सभी बैटरीज का रिजल्टेंट नेट इफेक्ट होता है। तो ये जो 11 एम्पियर करंट है ये 20 वोल्ट की बैटरी ने नहीं फ्लो कराई, ये सभी बैटरीज का रिजल्टेंट कंबाइंड इफर्ट है कि इस यहाँ से कि इस ब्रांच से करंट फ्लो हो रही है 11 एम्पियर, इस ब्रांच से करंट फ्लो हो रही है 9 एम्पियर और इस ब्रांच से करंट फ्लो हो रही है 2 एम्पियर। इन द सर्किट शोन ईच रेजिस्टेंस इज 2 ओम। इन द सर्किट शोन ईच रेजिस्टेंस इज 2 ओम इफ डीसी सोर्स ऑफ 10 वोल्ट इज कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के अक्रॉस 10 वोल्ट की बैटरी लगाई है, तो करंट आई के बारे में पूछ रहे हैं, और सारे रेजिस्टेंस जो हैं वो 2 ओम है। ठीक, तो कैसे सेटल करेंगे? अब आप आराम समझिए इसमें। ये आर और आर सीरीज में, ये आर और आर सीरीज में, और ये तीनों आपस में पैरेलल में। इसी तरह से ये आर और आर सीरीज में, ये आर और आर सीरीज में, और ये तीनों आपस में पैरेलल में, और ये पूरा नेट और ये पूरा नेट आपस में किस में आ जाएंगे? सीरीज में, और नेट रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो जरा आर के टर्म्स में बनाते हैं। ठीक है, आर और आर 2R, आर और आर 2R, 2R और 2R, 2R और 2R और R, ये किस में आ जाएंगे आपके? पैरेलल में। तो इनका बनेगा R बाई टू। 2R और 2R का R होता है, और उस R के साथ ये वाला R लेंगे तो R बाई टू। तो इन तीनों का सब कुछ मिला के R बाई टू। इसी तरह से इन तीनों का भी सब कुछ मिला के R बाई टू, और R बाई टू और R बाई टू अगर सीरीज में है तो इनका टोटल कितना हो जाएगा? R। तो इसका मतलब इस पूरे सिस्टम का नेट रेजिस्टेंस R होगा, जो कि 2 ओम है, और बैटरी पूरे सिस्टम के अक्रॉस 10 वोल्ट की लगी है। तो जो नेट करंट फ्लो करेगा यहाँ से, ये जो आई करंट फ्लो करेगा, वो 5 एम्पीयर का करंट फ्लो करेगा। सो योर आंसर इज डी पार्ट। थर्मल हीट पावर एंड बल्ब 67। विच अरेंजमेंट ऑफ 4 आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेज शुड बी यूज टू ड्रॉ मैक्सिमम एनर्जी फ्रॉम ए सेल ऑफ वोल्टेज वी। वी वोल्टेज का सेल है और उससे मैक्सिमम एनर्जी ड्रॉ करनी है, तो इसमें 4 सेटअप में से कौन से सेटअप का आंसर बनेगा? ठीक, तो अगर वोल्टेज आपको फिक्स दिया है और रेजिस्टेंस का के 4 पैटर्न हैं, तो जो पार का फॉर्मूला होता है वो हम लगाएंगे वी स्क्वायर बाई आर। और सीधी सी बात यह है कि जिसका रेजिस्टेंस मिनिमम होगा उसी की पार मैक्सिमम होगी, उसी में हीट डेसिपेशन मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम एनर्जी जो है वो सेल से एक्सट्रैक्ट करी जाएगी। तो चारों का रेजिस्टेंस निकालते हैं कितना होगा, तो इसमें कितना होने वाला आर, अगर सब सारे रेजिस्टेंस आर माने तो आर और आर पैरेलल में आर बाई टू, आर और आर पैरेलल में आर बाई टू, और आर बाई टू सीरीज में, तो इसका नेट रेजिस्टेंस हो गया आर। ये चारों पैरेलल में है तो इनका हो जाएगा आर बाई फोर। ये चारों सीरीज में है, आर 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 चारों सीरीज में, तो इनका कितना बनेगा? इनका बनेगा 4R।
ये तीनों पैरेलल में, तो ये आर बाई थ्री हो गया, उसके साथ ही आर सीरीज में, तो ये बना आपका 4R/3। अब इसमें चेक करना है कि सबसे कम रेजिस्टेंस R/4 है, तो इसमें मैक्सिमम पावर डेसिपेट होगी, तो बी पार्ट में पावर मैक्सिमम डेसिपेट होगी। उससे ज़्यादा रेजिस्टेंस ये है, उससे ज़्यादा ये है, और सबसे ज़्यादा ये है, तो ये रेजिस्टेंस के बढ़ने का क्रम है, तो पावर के घटने का क्रम होगा। तो पावर सबसे ज़्यादा बी पार्ट में होगी प्रोड्यूस, उसके बाद किस में प्रोड्यूस होगी, ए पार्ट में, उसके बाद डी पार्ट में, और सबसे कम पावर प्रोड्यूस होगी सी पार्ट में। ये पावर हीट एनर्जी का सेटअप है।